खेसारी लाल यादव और स्मृति सिन्हा की जोड़ी को आप एवरग्रीन जोड़ी कह सकते हैं। भाई काफी लंबे समय बाद स्मृति सिन्हा भोजपुरी फिल्मों में वापसी कर रही हैं। वो भी उनकी वापसी का इंतजार भोजपुरी का एक अच्छा खासा वर्क कर रहा है। आपको बता दें कि स्मृति की बैक टू बैक 3 फिल्में आएंगी। पहली भाग खेसारी भाग जो 1 नवंबर को रिलीज होने वाली है, दूसरी परवरिश और तीसरी लालटेन। आपको बता दें कि परवरिश और लालटेन में इनके हीरो होंगे यश कुमार। साथ ही साथ अब बात हो जाए भाग खेसारी भाग की। भाई इन दिनों भाग खेसारी भाग की बात इसलिए हो रही है कि खेसारी लाल यादव को अब ये तमगा धीरे धीरे मिलने लगा है कि वो चुनिंदा फिल्में करेंगे, लेकिन अच्छी फिल्में करेंगे। तो इससे आप समझ सकते हैं कि खेसारी और स्मृति जब एक साथ आ रही हैं तो बहुत बेहतरीन फिल्म में आ रही होंगी। साथ ही साथ इस फिल्म के टाइटल से ही पता चल रहा है कि फिल्म स्पोर्ट बेस्ड है। वैसे भी भोजपुरी इंडस्ट्री में खेलों पर बहुत ही कम फिल्में बनी हैं, और जब ये फिल्म आएगी तो यकीन है लोगों को एक क्यूरियोसिटी तो देकर ही जाएगी। साथ ही साथ भोजपुरी की एवरग्रीन जोड़ी सभी को देखने को मिलेगी, स्मृति सिन्हा प्लस खेसारी लाल यादव। खेसारी लाल यादव के लिए स्मृति सिन्हा काफी लकी भी रही हैं। आपको बता दें कि साजन चले ससुराल से खेसारी लाल यादव ने अपनी फिल्मी करियर की शुरुआत की थी, और इस फिल्म के बाद फिर कभी खेसारी लाल यादव ने पीछे मुड़कर नहीं देखा। सबसे जबरदस्त कमाई करने वाली फिल्म थी और आज भी खेसारी की उम्दा फिल्मों में उसकी गिनती होती है। वैसे खेसारी लाल यादव स्मृति सिन्हा को बहुत इज्जत देते हैं, वो उन्हें अपना सीनियर मानते हैं। उसी तरह स्मृति सिन्हा भी खेसारी की काफी इज्जत करती है। तो भाई दर्शकों के साथ साथ हमें भी इस प्यारी एडोरेबल और एवरग्रीन जोड़ी का इंतजार होगा जब इनकी साथ में फिल्म आएगी भाग खेसारी भाग। भोजपुरी जगत की हॉट और मसालेदार गॉसिप के लिए हमें सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें।